हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और खाना पीना हो चुका है, घर का सारा काम भी हो चुका है। तो बस थोड़ी देर में मैं बेटे को सुलाऊंगी, तो उससे पहले मैं कर रही हूँ अपनी स्किन की थोड़ी सी केयर। तो उससे पहले के लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे ब्लीच, और ब्लीच के बाद मैं फिर अपनी थ्रेडिंग करूँगी, थ्रेडिंग के बाद मैं फेशियल करूँगी, फिर मैं पैक लगाऊंगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और हाउसवाइफ हो या बाहर जाने वाली लेडीज हो जो जॉब पे जाती हैं, सबको अपनी स्किन की केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, हम लोग जो हाउसवाइफ होती हैं, काम के चक्कर में अपनी स्किन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती हैं, और जिसकी वजह से हमारी स्किन काफ़ी लूज़ हो जाती है, काफ़ी डल हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे मैंने ब्लीच को अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया है। तो आप 5 से 7 मिनट उसको पहले अच्छे से फेंट लें, बिल्कुल अच्छे से। तो देखिए, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ और मेरा शरारती सा बेटा आ गया है और ये मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे, मम्मा आप भूत बन रहे हो। तो जब मैं ऐसा कोई पैक वगैरह लगाती हूँ ना, तो ये मुझे बोलता है भूत बन रहे हो आप, मुझे डराओगे। तो प्योर रूट की मैं लेती हूँ ब्लीच, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो में। और ब्लीच लगाने से पहले आप फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, और मैं नहाने से पहले भी कर सकती थी, बट मैं इस टाइम थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, इसलिए मैंने इस टाइम ये करना सही समझा। तो फ्रेंड्स, ब्लीच लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखिएगा, उंगली जो है हमारी गोल गोल राउंड में ऊपर की तरफ चले। इससे क्या होता है, ब्लीच काफी अच्छे से वर्क करती है और आपका एक भी बाल नहीं छूटता है। और जो कान के बराबर में होते हैं, बिल्कुल दूसरे हाथ से आप उनको पीछे ले जाइए, क्योंकि इस तरफ के बालों में अगर ब्लीच लग जाती है तो बहुत बेकार सा लगता है, गोल्डन गोल्डन। तो बहुत ध्यान से करिएगा इस एरिया को। और ब्लीच को सिर्फ 15 मिनट के लिए ही अपने फेस पर लगाइए। तो फ्रेंड्स, ब्लीच मेरी हो चुकी है, बहुत अच्छे से वर्क किया है, फेस बिल्कुल एकदम से क्लीन हो गया है, ब्लीच से ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। और अब मैं यहाँ पे थ्रेडिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग के लिए मैं ले रही हूँ वीट की जो वैक्स वाली स्ट्रिप्स आती हैं, उनका यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे, क्योंकि मुझसे धागे से अपने आप से नहीं होती है और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। ट्राई करेंगे तो शायद हो भी जाए, तो मुझे ये आसान तरीका लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा पाउडर, और पाउडर को आईब्रो पे बहुत अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रिप्स है वो काफ़ी चिपकती है, और मैं इसको बताऊंगी आपको किस तरीके से फिर इसको हटाना है। तो देखिए, पार्लर में भी इसी तरीके से वो लगाती हैं थ्रेडिंग के ऊपर, थ्रेडिंग करने से पहले। और आईब्रो को सेट करने के लिए एक ब्रश टाइप में आता है, आपने देखा होगा मेकअप के ब्रश में आता है वो। अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास मस्कारा होगा, मस्कारे के ब्रश से आप कर सकते हैं उसको सेट। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो जो नॉर्मल कॉम होता है जिससे हम बाल बनाते हैं कंघा, उससे भी आप अपनी आईब्रो को सेट कर सकते हैं पहले। तो ये मेरे मेकअप किट में आया था, मैं इसी से सेट कर रही हूँ अपनी आईब्रो को। और उसके बाद क्या करना है आपको, आईब्रो जो पेंसिल होती है उससे शेप दे लेनी है। मैं नहीं दूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा आदत हो चुकी है, तो मैं एक्स्ट्रा ही हटाने हैं मुझे। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आईब्रो को आईब्रो पेंसिल से शेप दे लीजिए, इससे क्या है आपके थ्रेडिंग के बाल नहीं हटने का डर होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल ही आप हटाएंगे। देखिए इस तरीके से, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ ये चीज़। इसको काटते वक्त इस बात का ध्यान रखने कि ज़्यादा चौड़ाई में नहीं काटना है, जितना मैं काट रही हूँ आप ध्यान से देख लीजिए, उतना ही आप इसको काटिएगा। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, सिर्फ इतनी चौड़ाई रखनी है हमें और बहुत ध्यान से लगाना है। तो जो मेरे एक्स्ट्रा बाल हैं मैं सिर्फ उन्हीं पे चिपका रही हूँ, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, थ्रेडिंग के बाल नहीं लेने हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा थ्रेडिंग से ऊपर जो एक्स्ट्रा बाल आते हैं उन्हीं पे लगाना है, और थोड़ा सा स्किन को खींच के एकदम से खींच देना है,
जिस तरीके से हम वैक्स की पट्टी खींचते हैं ना, तो देखिए मेरे काफी एक्स्ट्रा बाल हट गए हैं। और पीछे की साइड में भी आपको इसी तरीके से लगाना है और हल्का सा स्किन को खींच लेना है पीछे की तरफ। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। फ्रेंड्स, आईब्रो के जो नीचे की तरफ वाले बाल होते हैं उनको हटाने के लिए बहुत ध्यान से लगाना है आपको, क्योंकि सिर्फ एक्स्ट्रा ही हटाने हैं, थ्रेडिंग के बाल ना निकलें। और दो बार से ज्यादा मत लगाइएगा यहाँ पे, क्योंकि स्किन काफी नाजुक होती है, इधर की मुलायम होती है, तो आपका छिलने का डर रहता है दो बार से ज्यादा। तो स्किन को पहले सबसे पहले अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, मेरे एक्स्ट्रा बाल निकल गए हैं और मैं आपको शेप भी दिखाऊंगी। और जब आपकी पूरी थ्रेडिंग हो जाए और दो चार बाल रह जाएं, ये देखिए, तो आप वो प्लेकर से निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी थ्रेडिंग अच्छी तरह हो चुकी है, एक दो बाल है वो मैं प्लेकर से निकाल लूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ब्लीच मैंने कर ली है और थ्रेडिंग मैंने अभी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हटाए हैं। दो चार जो बाल है उन्हें मैं प्लेकर से निकाल लूंगी। और ब्लीच करने के बाद हमेशा ये ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही थ्रेडिंग कीजिएगा। थ्रेडिंग पहले करके फिर ब्लीच मत कीजिएगा, क्योंकि ये एरिया आपका बिल्कुल जलन करने लगेगा और रेड हो जाएगा। और अब मैं फेशियल के लिए ले रही हूँ नेचर्स की पपाया वाली क्रीम, ये देखिए। तो ये एंटी ब्लेशिंग क्रीम है और जिसके जैसे काले धब्बे हैं या सन टैन हो जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैं फेशियल करूँगी इससे। तो फेशियल करते समय इसके अंदर बार बार हाथ ना डालें, एक इस तरह की कटोरी ले लें, प्लास्टिक की या कांच की, उसी में निकाल लें। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है ये खीरे का रस, जैसे हमारा हाथ टाइट चलने लगता है तो उसके लिए मैंने खीरे का रस लिया है बीच बीच में। तो आप रोज वाटर भी ले सकते हैं या फिर खीरे का रस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं फेशियल कर रही हूँ। तो पहले जो क्रीम लेनी है मैं अच्छे से फेस से पूरे फेस पे फैला लेनी है और ऊपर की तरफ हाथ घुमाते हुए हमें मसाज करनी है पूरे फेस पे। नीचे की तरफ बिल्कुल भी हाथ नहीं चलाना है हमें। और जहाँ मुझे लगेगा मेरा हाथ थोड़ा सा टाइट चल रहा है तो मैं खीरे का रस ले लूँगी मैं बीच में। और मसाज करते वक्त आप स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो जो रिंग फिंगर होती है हमारी, उससे ही आंखों की मसाज करें। और राउंड राउंड करके ही आपको सारे मसाज पूरे फेस पे करनी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खीरे का रस लिया है और आपने देखा होगा ये वाला जो स्टेप है ये अच्छे से करें। आपने देखा होगा ये पार्लर में भी होता है, इससे हमारे फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी अच्छे से काम करता है। तो आपको कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक काफी अच्छे से आपको पूरे फेस पे मसाज करनी है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपनी गर्दन पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहाई आई थी, तो फिर मेरे कपड़े ख़राब होने का डर रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि भाई गर्दन पे भी होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, तो अगर मुझे इस तरीके से करना है तो मैं नहाने से पहले करती हूँ, या फिर कोई मैं ऐसा कपड़ा पहनती हूँ जो ख़राब हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बदल लो।
तो आप इस तरह का फेशियल महीने में दो बार आराम से कर सकते हैं और स्किन में अपने आप आपको फर्क नजर आ जाएगा। और पैक तो आप ये देखिए, हफ्ते में दो बार तो जरूर लगाइए, चाहे मुल्तानी मिट्टी का ही लगाइए। और फेशियल करने के बाद फ्रेंड्स, अगर गर्मियां हैं तो आप बर्फ़ की मसाज जरूर करें, बट मैं अब नहीं करूंगी क्योंकि थोड़ा बेटे को सुलाने का टाइम हो रहा है, तो ये चीज़ मैं बीच में दोबारा करूंगी, तब मैं कर लूंगी। और विंटर में आपको गर्म भाप लेनी चाहिए और गर्मियों में बर्फ़ की मसाज ज़रूर करें, तो उससे स्किन काफ़ी अच्छी और टाइट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, फेस को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और यहाँ मेरा बेटा मुझे कुछ सुंघा रहा था, ये सूंघ के देखो, क्योंकि अब काफ़ी टाइम होता जा रहा है और मुझे इसे सुलाना है, तो इसलिए मैंने बर्फ़ की मसाज नहीं की है। बस अब मैं जल्दी से पैक लगा लूँगी। स्वीकारा करके फेस पैक, तो ये ना आपको आयुर्वेदिक की दुकान पे ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा नहीं तो। तो ये मैं गाजियाबाद से लाई थी अपने मायके से, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके लगाऊंगी। और इसका फ़ायदा ये है कि जिसके पिंपल्स हो, वाइट हेड्स हो, ब्लैक हेड्स हो या झाइयाँ हो, ये सब चीज़ों के लिए है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्किन ग्लो भी करता है, और इन पील पाउडर का आपने देखा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको मिक्स करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑरेंज पील पाउडर मैं एक चम्मच ले रही हूँ और ये दूसरे वाला पैक मैं लूँगी आधा चम्मच। और इसको घोलने के लिए मैंने लिया है खीरे का रस और टमाटर का रस, थोड़ा सा आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए, मैंने इसमें आधा चम्मच ले लिया है। और पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है ये सारा ही डल जाएगा, तो मैं सारा ही डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा आप। फेस पे अच्छे से पैक को लगा लूंगी। और ये ध्यान रखिएगा, जब आप पैक लगाएं तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी बोले ना या हंसे ना, क्योंकि इससे फिर थोड़ा सा झुर्री आने का डर रहता है, क्योंकि पैक लगाने के बाद हमारी स्किन थोड़ा सा टाइट होती है, खिंचती है। और 15 से 20 मिनट में ये आराम से सूख जाएगा। मेरा पैक सूख गया था और अब मैं धो आई हूँ, आप देख सकते हैं स्किन में फर्क। तो मैं खुद अपनी थोड़ी सी अब केयर कर रही हूँ और मैं महीने में अब ये दो बार जरूर करूँगी फेशियल। तो सच में जब हम खुद मसाज करते हैं बाहर, क्योंकि देखिए लॉकडाउन भी है और मैं तो वैसे भी कितने सालों से बाहर नहीं गई हूँ, मैं खुद से ही करती हूँ अपने घर पे फेशियल, चाहे कोई भी त्यौहार हो, करवा चौथ हो, दिवाली हो। और इसके बाद अब मैं लगाऊंगी एक दो बूंद एलोवेरा जेल की। तो इसको जब आप लगाएं एलोवेरा जेल को,
तो बहुत अच्छे से मसाज कर लें अपनी स्किन पे ताकि पूरी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाए और फिर फेस को धोना नहीं है, ऐसे ही छोड़ दें। और धूप में बिल्कुल भी ना जाएं फेशियल करके। जैसे कई लेडीज होती हैं ना, भाई हम घर पे कपड़े सूख गए हैं चलो वो ले आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सारा प्रोसीजर बता दिया है, अब आप भी शुरू हो जाइए अपनी स्किन की केयर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, घर में सुरक्षित रहिएगा।